जल जीवन मिशन, जो हर घर जल आपको 55 लीटर पानी जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। पानी की टंकी जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएगी तो उसके लिए आपको 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा और हर एक घर जल में टोटी के माध्यम से आपके घर में पानी आएगा। आप सभी को पता है कि जल ही जीवन कहा गया है, पर आज के समय में इस अर्थ को भुला दिया गया है। क्यों भुला दिया गया है? क्योंकि पानी में प्रदूषण की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत भारी मात्रा में बढ़ रही है। इसकी वजह से हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में जल के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। पानी की वजह से इतनी सारी बीमारियां फैलती हैं कि वो एक बहुत बड़े दुर्दशा का कारण बन रही है। जैसे कि आपको पता है कि आपके त्वचा का कैंसर, पेट के संबंधी जो भी रोग होते हैं, पोलियो हो गया आपका, हेपेटाइटिस ए और ई हो गया, और आपके बहुत सारे रोगों को ये शुरुआत करता है। और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से बढ़ रहा है कि डायरिया, जो बच्चों में डायरिया फैलता है तो ये मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इसकी शुरुआत की गई ताकि हर एक घर में पहले आपको ये फील्ड टेस्ट किट के प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर एक आपके ग्राम पंचायत में सरपंच जी के द्वारा 5 महिलाएं जो चुनी गई हैं जल समिति से, तो उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो जाके अगर आपके घर में जो पानी का टंकी है, जो टोटी से आपका पानी आ रहा है, अगर वो पानी आपको लगता है कि उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी है, हमको उसका परीक्षण करना चाहिए, तो उस परीक्षण के लिए आप, अगर आपको आशंका है तो प्रधान जी से आप उनके माध्यम से अपने पानी की जांच करवा सकते हैं, ठीक है। आप सभी अपने प्रतिदिन के जीवन में देखते होंगे, रोज कोई ना कोई बीमारियां फैलती हैं, पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, आपके दांतों में सड़न, पीलापन, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। आपका स्वास्थ्य आपका पहला एक प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तभी प्राथमिकता है। हमारे पूरे पृथ्वी पर 97% यानी कि 97% जल है, प्रतिशत मात्रा है इसकी, पर आपका 3%, 2 से 3% ही आपके पानी के पीने के लिए, जो शुद्ध पानी एक तरह से कह सकते हैं, वो आप सभी को मिलता है। पर आज के समय में पूरे जनसंख्या में 50 लाख से भी आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। 50 लाख से भी कम लोग दूषित पानी का सेवन कर रहे हैं। और